आप लोग सब तैयार हो गए? हाँ, एकदम तैयार। मैं अपने सारे साथियों का जो जिसका नाम ले पा रहा हूँ और जिसका नहीं ले पाएंगे, आप लोग कृपया बुरा नहीं मानेंगे। देवेंद्रनाथ महतो जी, उदय मेहता जी, संजय महतो जी, संजय मेहता जी और महेंद्र प्रसाद जी, गौतम महतो जी और कोडरमा से प्रेम महतो जी, और सबसे जो हम लोगों का बार बार कहते थे कि उत्तरी छोटा नागपुर में हम मजबूत हैं, कोल्हान में मजबूत हैं, संथाल परगना से श्यामदेव जी वो भी मजबूत हैं, हम लोग कमजोर हैं तो पलामू में, लेकिन पलामू में भी जो है अलग जगाने का काम किए पप्पू जी, परवीन जी और तमाम जो भी हमारे साथीगण हमको साथ दिए, रामगढ़ के तमाम दीदी लोग और भैया लोग और बड़े लोग सभी लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा सहयोग किया, साथी कोल्हान से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला और इसलिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अरे ये हम लोगों ने जो मंथन करने के लिए रखा है कि मैंने क्या पाया क्या खोया, इसके बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों ने सिर्फ खोया, अभी तक पाए नहीं है, 47 हटा नहीं है, लेकिन हमारे जो है बहुत सारे वह साथियों पर जो है उन पर वह लाठीचार्ज हुआ, उन पर केस दायर हुआ, बहुतों को जो जेल भेजा गया, बहुतों को जो थाना में ले करके परेशान किया गया, और पता नहीं जितना पुलिस जानता था वो सब धारा लगा दिया, जितना पढ़ा हुआ था वो सब धारा लगा दिया, लेकिन उस धारा से डरने की जरूरत नहीं है और हम तमाम लोगों को हम यही कहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि आज जो बिहार के लोग बोला करते थे कि देखो यहाँ पर 47 नहीं है, हम लोग मर्द हैं, देखो तुम लोग डरते हो, तुम लोग पढ़ने नहीं जाते हो, जैसे वहाँ पर 60-40 का सिस्टम हुआ उसके बाद अकबकाना शुरू कर दिया, तो हम लोग कहावत में बोलते हैं कि बाप रे बाप, ऊपर से गिर लो छाप, सब को तुम भाग लो दुवरिया देख हम कंध भागियो रे बाप। अभी जब बाप बाप करने लगा तब उन लोगों को समझ में आया, और हम आप लोगों को कहेंगे कि अब हम लोगों ने ये जो रुख अपनाया है कि 60-40 का विरोध मार खाने का और कोई करने का, हम लोगों ने पार्टी के भी और अग्रसर हुए कि आगे हम लोगों को वहां पर जाना है, कहने का मतलब विधानसभा में बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार दो ताली नहीं ठोकना है, वहाँ पर टेबल पीटना है, और जैसा कि हम लोग वहाँ पर कानून बनाएंगे जहाँ पर हम लोगों को लाठी नहीं खाना पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे थे बहुत हो गया बंदी यार बंदी, बहुत हो गया बंदी यार बंदी, अब हम इस सरकार का करेंगे नसबंदी। बात समझ गए ना, नसबंदी मैंने अगर परिवार नियोजन कर देंगे ये तो फिर अगर अभी जो अभी आप देख रहे हैं ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और ये जो अभी बात कर रहे थे रानी का बेटा राजा बनेगा, कानी का बेटा नहीं बनेगा, रुख तो एहन करते अनुकंपा पर देते हो ना तो नसबंदी कर देंगे तो कौन अनुकंपा पर करेगा, हम लोग करेंगे फिर ये चीज जो है हम लोगों को करना है, कहने का मतलब कि हम लोग को इस मजबूती के साथ लड़ना है कि हम लोगों को आने वाले 2024 में जो है हम लोगों की सरकार होगी, और ना ही वहाँ पर लाठी होगा, ना ही वहाँ पर गोली होगा, ना ही वहाँ जेल होगा, सिर्फ वहाँ पर नियुक्ति ही नियुक्ति होगा। मैं इस बात कर रहा हूँ, हमने सबको दिया मौका, हमने सबको दिया मौका, झारखंड के लोगों ने 23 साल में चाहे तो बीजेपी या यासू की सरकार हो या तो ये जेएमएम और कांग्रेस की सरकार हो, ये हमने सबको दिया मौका, लेकिन हम लोगों को सबने बनाया मौका, इसलिए 2024 में मारेंगे चौका ही चौका, ये हम लोगों को करके जाना। मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे साथी जो मार खाए वो मत समझिएगा कि आपकी कुर्बानी या जो भी जेल गए ये होता है,
मैं बता रहा हूं कि अगर यदि यही सुभाष चंद्र बोस समझते, खुद्दीराम बोस समझते, या तो अशफाक उल्ला खान समझते, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, ये लोग अगर समझते तो आज मेरा ना ही देश आजाद होता, ना ही हम लोगों को झारखंड मिलता, ना ही सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट आता। मैं बता रहा हूं कि सारे वो लोगों ने बलिदान दिया हम लोगों की नौकरी के लिए, और हम लोग क्या करते हैं मैं बता रहा हूं ना कि हम लोग जो समीक्षा कर रहे हैं कि कोडरमा में प्रेम कुमार जी जो देखे होंगे, प्रेम जी जो अभी इधर से वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ये बोले कि भैया कोडरमा से ढूंको हो बिहार, हम कोडरमा बंद करवो। अब जिस समय लोग जागे भी नहीं होंगे, सो करके उठे भी नहीं होंगे, मैं उसी रूट से जा रहा था और 5:30 बजे प्रेम जी जो है सो तिलैया का जो कोडरमा जो क्षेत्र हो पड़ता है, जहां जो बॉर्डर है बिहार और झारखंड का, वहां पर इन्होंने बंद कर दिया और 5,000 गाड़ी को खड़ा कर दिया। उसके बाद जो बोझ खुज करके आया, माताएं बहनें सभी भाई नौजवान जो है सो सरकार को आईना दिखाने का काम किया और रामगढ़ में बंद कर दिया गया। मैं उनका स्वागत करता हूं तमाम दीदी लोगों को। साथ ही साथ जो कोल्हान के लोग, मैं बाबू को ये विराजनगर शायद सरायकेला विराजनगर है कोई शहर नहीं, राजनगर, मैं बता रहा हूं राजनगर एक ऐसा शहर है सरायकेला में जो कि 23 साल के दौरान ना बीजेपी बंद करा पाया, ना ही जेएमएम बंद करा पाया, ना ही कांग्रेस बंद करा पाया, उसको हमारे जेएसएसयू की टीम ने 2023 में मतलब 23 साल में किसी ने नहीं बंद करवाया था, लेकिन 2 दिन की बंदी हुई और वो जो है 2-3 दिन बंद रहा। ये हम लोगों की सफलता है। मैं बता रहा हूं कि हम लोग संथाल परगना में जो 2 दिन बंद हुआ, श्यामदेव जी, राजीव बास्की जी और जितने भी लोग थे वहां पर, जो उन्होंने बंदी किया वहां पर पत्ता भी नहीं डोला, ये इस चीज का हम लोगों की सफलता है। हम लोग निश्चित रूप से अभी 60 साल, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि 60-40 को खत्म करेंगे तो खत्म करेंगे, ये हम लोग दावा नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो नौकरी नहीं होगा तो नहीं होगा, आप खेलवाओ नहीं खेला दबाओ, खेलवा बिगाड़ दबाओ, ये वाला करेंगे। और निश्चित रूप से ये सरकार जो है हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए कुछ लोगों को जो है इधर से कह लेगा कि हम नियुक्ति निकाल रहे हैं और उधर से कहेगा कि केस करो। बहुत सारी बातें हम लोगों को करने के लिए कहा गया था, लेकिन बात है कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी है कि हमारे बहुत दूर दूर से सरायकेला करसावां से लोग आए हुए हैं, कोडरमा से लोग आए हुए हैं, हजारीबाग से आए हैं, और इधर देखे चतरा तरफ से भी आए हैं। सभी लोगों को समय पर जाना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों की सफलता है, हम लोग सफल हो चुके हैं, और ये जो 60-40 जो हम लोग आप नारा दिए थे, निश्चित रूप से अब हम लोग उसको हकीकत में बदलेंगे। और ये अंधरा को बताना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को अंधरा को समझाना चाहते हैं कि 2 दिन जो है सो बिहार में 2 दिन में जो है आंदोलन किया और 60-40 को वापस ले लिया और बोला 90-10 होगा, और ये 6 महीना से यहाँ पर देवेंद्र मल्लनाथ महतो लाठी खा रहा है, जयराम महतो लाठी खा रहा है, मनोज यादव लाठी खा रहा है, तमाम झारखंडी लाठी खा रहा है, लेकिन ये मुर्दार को कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि इनको भी समझ में आएगा। ये खाली अनुकंपा पर नौकरी देने में लगे हैं, ये अनुकंपा पर